रोगी हजिगला हॉस्पिटल रे। 19 दिन धरी पत्ता पाइलेनी परिवार। रोगी को मृत्यु रो 17 दिन परे खबर देला पुलिस। परिवार को न जणाई शवदाह करिछि सीएमसी। पदारे पड़िला राज्य सरकार कोविड परिचालना रे भयंकर त्रुटि। हॉस्पिटल रे चिकित्सित होतबा जणे कोविड रोगी का संपर्क रे 19 दिन धरी पत्ता पाइलेनी परिवार। गत सेप्टेम्बर 29 तारीख रु ढेंकानाल हॉस्पिटल रु निकोस तिबा बरोदा गार दुर्योधन बेहरांकर मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछे। सेप्टेम्बर 29 तारीख रे ढेंकानाल कोविड हॉस्पिटल को चिकित्सा पाइ आसीथिबा दुर्योधन को कटक कोविड हॉस्पिटल को रेफर करथिले डाक्टर। 30 तारीख रे तांकर मृत्यु घटिथिला। मृतदेह परिचय न मिलिबारु एने मंगलाबाग थाना रे एक मामला रुजु होइथिला। घटनार 72 घंटा पर मृतदेह को सीएमसी को हस्तांतर करथिला पुलिस। एहा परे शवदाह करि देथिले सीएमसी कर्मचारी। खाली रात्रि रे हमें खबर पाल जे सरपंच हमको मेसेज देले जे तुम बापांगर डेथ हो जाइछ। कॉलेज जाई काली टाउन थाना रे तुम देखा कर। सेइथि पे आज हमें टाउन थाना को आसी देखा कर जाई आसी। आईएसी के पचारि बुझल जे से कहउछन्ति 1 तारिख दिन टू तुम बापांगर डेथ हो जाइछ। जदि बा बापांकर 1 तारीख रु डेथ हो जाए आज पर्यंत कहीं आमको जनइलन तर आम क्रिया शुद्धि केमी करूँ ए केवल प्रशासन ही दायी नहीं आमर जी इनक्वारी कहे से 1 तारिख दिन 10:18 मिनिट समय काजुआलिटी जो डक्टर थे कि लोक से डेड बडी धरी जाते से ट्रिटमेंट करने जाते से पड़ते से कैंपस भितर पड़ते किंतु जब नहीं जाते डॉक्टर रिसीव डेट कले से आगुरी मृतदेह मान मरी जाते। दुर्योधन निखोज होगा नहीं ढेंकानाल जिलापा निकट में अभियोग करते परिवार। जिलापा निर्देश क्रमे हॉस्पिटल एक टीम कटक कोविड हॉस्पिटल रे पहुंची रोगी संपर्क में तनाघना करते कौन सूचना पाइन। हॉस्पिटल दुर्योधन नथिबा कहिथिले ढेंकानाल जाइथिबा तदंतकारी टीम। एबे प्रश्न उठुछि जणे कोविड रोगी हॉस्पिटल को आसिले तंको संपर्क रे तथ्य रखुनाहंती कि सरकार रोगी को रेफर करबा पूर्वरु केमिति परिवार को जणाइले नाही हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। परिवार को न जणाई केमिति शवदाह करागला अवहेला पई ढेंकानाल हॉस्पिटल ना एससीबी कोविड हॉस्पिटल कर्तृपक्ष दायी। ढेंकानाल रु विप्लव रावलंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।